नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे इस न्यूज चैनल में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज हम आपको यहां 6 गेंदों में 6 छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। लास्ट में T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में एक ओवर में 6 छक्के युवराज सिंह ने लगाए थे। उसी के बाद ही पाकिस्तान के ऑलराउंडर शोएब मलिक ने एक ओवर में 6 छक्के लगा दिए थे। वैसे इन दोनों के बारे में आपको पता है, पर आज हम आपको 6 और बल्लेबाजों का नाम बताने वाले हैं, जिसके बारे में शायद ही आपको कुछ पता होगा। इस दुनिया में 6 गेंद में 6 छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों में सबसे पहला नाम वेस्ट इंडीज के गैरी सोबर्स का है, जिन्होंने 1968 में नॉटिंगशायर के लिए खेलते हुए स्पिन गेंदबाज मैकलम डेस की 6 गेंदों पर 6 लगातार छक्के जड़ दिए थे। रवि शास्त्री, जो कि एक भारतीय बल्लेबाज है, जिन्होंने लगातार 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए थे, और वो भी 1984 में रणजी ट्रॉफी मैच में बड़ौदा के स्पिनर तिलक राज की गेंदों पर। वैसे आपको बता दें कि इस मैच में शास्त्री ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट का सबसे तेज दोहरा शतक भी लगाया था। हर्षल गिब्स, जिन्होंने 2007 विश्व कप में नीदरलैंड के गेंदबाज वान बुगे की सभी गेंदों पर छक्के जड़े थे। वैसे आपको बता दें कि बल्लेबाज हर्षल गिब्स अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 6 लगातार छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज थे। युवराज सिंह, जिनको विस्फोटक बल्लेबाज माना जाता है, उन्होंने T20 विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ 6 गेंदों में 6 छक्के लगाने का कारनामा कर दिखाया था। इसमें एक मजे की बात आपको बता दें कि युवराज सिंह से पहले जिन्होंने भी 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए थे, वो सभी ने स्पिन गेंदबाजों को अपना निशाना बनाया था, पर युवराज सिंह ने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज को निशाना बना लिया था और 6 लगातार छक्के जड़ दिए थे। एलेक्स हेल्स, जो कि नॉटिंगशायर की ओर से खेल रहे थे, और उन्होंने पारी के 11वीं ओवर की 4थी, 5वीं और 6ठी गेंद पर 3 लगातार छक्के लगाए थे, और बाद में अगले ओवर की 2री गेंद पर जब उन्हें स्ट्राइक मिली तो उन्होंने 3 लगातार छक्के और लगाए। तो ऐसे करके उन्होंने 2 ओवर में लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने के कारनामों को अंजाम दिया। शोएब मलिक ने T20 क्रिकेट में 6 गेंद में 6 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए, और उन्होंने शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के चैरिटी मैच के दौरान 6 गेंदों में 6 छक्के लगाकर युवराज सिंह की बराबरी कर ली है, और लगातार 6 गेंद में 6 छक्के लगाने वाले शोएब मलिक 6ठे बल्लेबाज बन बैठे।